नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने में तकलीफ तो होती है, मगर हर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। संसार का कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो शिखर पर पहुंचा हो और कभी गिरा ही ना हो। गिरना दुखदाई नहीं है मित्रों, लेकिन गिरकर ना उठना बहुत बहुत दुखदाई है। इसीलिए कभी ठोकर लग भी जाए, कभी लड़खड़ा भी जाए, तो वे हिम्मत उमंग और हौसले के साथ उठकर आगे से आगे बढ़ते चलें। ऐसा ही कुछ है आज का हमारा सुवाक्य, आइए सुनते हैं। कल गिरे थे तो आज खड़े हो जाओ। हम सब ने गलतियां की हैं, हर गलती हम पर भारी पड़ती है। हम अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। तब अतीत के गलतियां बोझ बन जाते हैं जो आपको हर कदम पर पीछे खींच लेते हैं। अपने भीतर से जुड़ना स्वाभिमान की ओर पहला कदम है। परमात्मा से जुड़कर अपने गुणों और शक्तियों को बाहर लाने से अतीत के प्रभाव समाप्त हो सकता है और आप फिर से उठकर आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, पुरानी कहावत है कि ठोकर ही ठाकुर बनाते हैं। ठाकुर जो लोगों के दिलों पर राज्य करते हैं, सबके लिए सम्मान्य और प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो आगे से आगे बढ़ें और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी ही एक और कहावत है कि पहले रखो स्वास्थ्य का ध्यान, फिर करो बाकी सारे काम। कई बार हम बाकी कामों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते और शरीर में कई प्रकार की कमियां होने लगती हैं और हम तकलीफ में आ जाते हैं। ऐसी एक कमी होती है विटामिन B12 की, जिसका हमें ध्यान नहीं रहता। इसी पर सुंदर प्रकाश आज डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। B12, जब भी हम इस नाम को सुनते हैं, हमारे टाइम्स में जब हम पढ़ रहे थे, MBBS पढ़ रहे थे, उस समय B12 डिफिशेंसी बहुत कम पाई जाती थी। किंतु जब से भारत में औद्योगिकरण हुआ, हमारी जो काउज या बफेलोज थी वो शहर से निकल के उनके अलग ज़्यादा मात्रा में दूध जो है अवेलेबल प्रोसेस्ड मिल्क मिलने लगा, तो तब से B12 की डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि B12 का जो सोर्स है वो है एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। तो हम लोग तो अधिकतर जो भारत में शाकाहारी लोग अधिकतर हैं, 80% से ज़्यादा लोग शाकाहारी हैं, और इस कारण ये B12 की डिफिशेंसी भारत में अभी काफ़ी पाई जाती है। और जब से हमने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू किया तो ज़्यादा मात्रा में B12 डिफिशेंसी हो गई है। तो B12 जो है वो हमारे जो हमारी सेल्स डिवाइड करती रहती हैं, मल्टीप्लाई करती रहती हैं, पुरानी सेल्स मरती रहती हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं, तो उसके लिए B12 की बहुत बहुत आवश्यकता है। साथ में फॉलिक एसिड भी चाहिए। और B12 की कमी होने से हमें बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी जो है ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, उसकी रीजनरेशन ख़त्म हो जाता है, एनर्जी बहुत कम महसूस होती है। नॉर्मली इसका जो अमाउंट है वो 230 से 900 माइक्रोग्राम्स होना चाहिए ब्लड में पर ml के हिसाब से। और अगर हमें B12 लेना है तो एक तो दूध हमें डेली पीना चाहिए, लगभग अगर गाय का या भैंस का दूध मिलता है तो हमें डेली, स्पेशली बच्चों को स्पेशली देना चाहिए। और अधिकतर जो अभी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे कोई वेजिटेरियन सोर्स B12 का नहीं है, और अपना B12 हमें बीच बीच में हम फूड सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। B12 की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, इंजेक्शन अवेलेबल हैं, तो आप अपना बीच में कभी चेक भी करा सकते हैं। अगर चेक ना भी कराएं तो आप B12 के सप्लीमेंट्स आप डेली ले लें। इससे आप देखेंगे आपकी एनर्जी, जो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो रीजनरेशन पावर है बॉडी की सेल्स की, वो बढ़ेगी और आप शक्तिशाली महसूस करेंगे। ओम शांति। तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर रहे, इसी शुभकामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं सुंदर अनुभव की ओर। लगातार हम कुछ सुंदर अनुभव भी सुन रहे हैं उन लोगों के जिन्हें हम
स्क्रीन पर देखते रहते हैं, चाहे छोटी स्क्रीन पर या बड़े स्क्रीन पर, अपने अपने क्षेत्र में जो शीर्ष पर हैं। आज हमारे साथ सुंदर अनुभव साझा कर रही हैं ऑस्ट्रेलियाई मूल की अभिनेत्री, जिन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है। आप हैं बहन क्रिस्टीना अखीवा जी। When I first arrived, I instantly, you feel peaceful. Good. I mean, especially coming from Mumbai and, you know, it's quiet. The air is clear. And you see the beautiful mountains and the energy is just, it's a very calm energy here. So the initial thing is instantly peace. See, just in general, like even when I meditate in Mumbai, I found that with this particular type of meditation, it was the first time that I could really switch off in the way that in other forms of meditation that I had tried in the past. Yeah. I always had a very busy mind and I just could not disconnect. But for some reason, this type of meditation just worked for me. It just, I had absolute clear peace of mind and I could just focus on that point of light, which is Shiv Baba. And so now coming here, so I already had that improvement in Mumbai, and then coming here and I was meditating today in the Lotus Hall, last night. Yeah. And you could just sit there, like you could just sit there the whole night, you know, it just, normally 1-2 minutes and I'm just like, oh, you know, I'm done in other forms of meditation, that is. But I could just sit there, I could just go on and on and on. So that is something new for me, where I could, I enjoy it so much and there's no end to it. Yeah. So. And in this type of meditation, you must have felt even like that. I mean, not expressing yourself, you are getting the answers even, yes. Every answers, whatever the question, whatever the thoughts is going inside us, we are just getting the answers even. You hear like an internal voice, it's just, it's clarity, and whatever stress is going on or whatever question that you have, it's like a very clear internal voice, it just gives you an answer. So normally I would have so many different things telling me different things and I would have that confusion. But in moments of meditation, it's a real clarity that you have. Certainly. And you just know where that voice is coming from. It just cannot be coming from anywhere else, you know. And you just get the answer. Yes. Where you are and how you are. Mitron, umr haath mein rakhe hue ret ki tarah hai, jo dheere dheere फिसलती जा रही है। जिंदगी सभी जी रहे हैं, जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, और ये संसार का अंतिम सत्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को इस तरह जीते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृतियाँ हमें आनंदित करती रहती हैं, प्रेरित करती रहती हैं, कुछ बेहतर करने के लिए हमारे अंदर उमंग भरती रहती हैं। ऐसे ही एक महान दिव्य विभूति थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक, दादा विश्व किशोर जी, जिन्हें प्यार से सभी भाव कहकर संबोधित किया करते थे। आइए आज महकती यादों में उनकी यादों से हम प्रेरित हों, सुवासित हों। ओम शांति। भाऊ विश्व किशोर जी बाबा के पक्के वारिस, सदा हाजी का पाठ पढ़ने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, बाबा के राइट हैंड तथा त्याग तपस्या की प्रैक्टिकल मूरत थे। आप लौकिक में ब्रह्मा बाबा के लौकिक बड़े भाई के सुपुत्र थे, लेकिन बाबा ने ही आपको शुरू से ही पालना देकर बड़ा किया। जब बाबा ने अपना सर्वस्व माताओं के आगे समर्पित किया, तो भाव विश्व किशोर भी बाबा के साथ समर्पित हुई और यज्ञ रक्षक के रूप में, मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। आप सदा माताओं बहनों को पूरा सम्मान देते हुए हर कार्य में आगे रहे। आप 12 मार्च 1968 को अपना पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त वतन वासी बन गए।
चिराग की तरह दादा का जीवन, स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देने वाला। सचमुच यही तो सेवा है और यही तो जीवन है। वो कहते हैं ना कि जीव जंतु भी तो अपने लिए जी लेते हैं, अपने दो चार बच्चों के लिए जी लेते हैं, लेकिन जीवन तो उसका जो सारे संसार के लिए जिए। अपने जीवन से एक सुंदर प्रेरणा, एक सुंदर सीख सभी को देकर जाए। हम भी सुंदर सीख लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और ऐसी ही सीख लेकर हजारों लाखों ब्रह्म कुमार और कुमारियां अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और समाज की सुंदर सेवा चराग बनकर कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस न्यूज़ हाइलाइट्स में। 27 फरवरी को इंदौर के शिव शक्ति सरोवर के पास नेमावर रोड में महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंगों का मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन इंचार्ज बीके आरती ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताकर सबका मार्गदर्शन किया। यह दिन हम ईश्वर के इस धरा पर अवतरण के समय की याद में मनाते हैं। शिव के अलावा और किसी को भी हम परम आत्मा नहीं कहते हैं। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, और जाते जाते एक और सुंदर सी बात आपके साथ साझा करता हुआ जाऊंगा। हम आई की जगह वी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जीवन में, तो हमारी इलनेस भी वेलनेस में तब्दील हो जाएगी। सचमुच अकेला व्यक्ति यदि सब कुछ हो तो भी अकेला हो आनंद नहीं ले सकता, लेकिन यदि सीमित साधन हो लेकिन फिर भी हम हो तो आनंद ले सकते हैं। बहुत महंगी से महंगी गाड़ी में भी आप अकेले सफ़र करने कितनी दूर जाओगे, और सामान्य सी भी गाड़ी हो, मारुति 800 ही क्यों ना हो, यदि हम चार साथी साथ चलते हैं कितना आनंद आता है, बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत सहज हो जाता है। तो क्यों ना आई को हटाकर वी की भावना से हम आगे बढ़ें, सचमुच जीवन आनंद से परिपूर्ण होता चलेगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।